हेलो एंड गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? मेरा नाम है आकाश राणा और आप देख रहे हैं माउंटेन व्यू ऑफ पार्वती वैली चैनल। तो गाइस, काफ़ी दिनों से भारी बारिश हो रही है तो आपको पता ही है, जिस कारण हमारा रोड बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो मेरे साथ है मेरे चाचा जी, तो हम दोनों रोड का मुआयना करने जा रहे हैं क्योंकि मेरी गाड़ी अभी घर में फंसी हुई है। तो हमने सोचा चलो रोड का मुआयना करते हैं, तो क्या पता हमारी गाड़ी निकलेगी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इस बारिश ने कितनी ज़्यादा तबाही की है और कितना हमारा रोड क्षतिग्रस्त हुआ है। तो चलिए यार, आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले जब ये स्लाइडिंग दिखा तो भाई एकदम से हैरान रह गए हम। तो आप देख सकते हैं ना, जितना भी पानी सड़क होके आता है तो यहाँ इकट्ठा होके यहाँ से नीचे चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हुआ। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, यहाँ से पानी नीचे गिरता है और जो यहाँ पर मिट्टी गिरी है ये पूरी उसी की वजह से गिरी हुई है। जो इस पहाड़ से पानी आता है, रास्ते रास्ते से होके एक नाले का पानी आता है, तो उसने बहुत ज़्यादा स्लाइड किया। और यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ब्यूटीफुल। ये जो नाला देख रहे हैं आप, ये जब आता है तो अपने भयंकर रूप में ही आता है, जिस कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर कितना पानी जा रहा है, जिससे हमारी सड़क बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई। हम यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं ताकि यहाँ से एक नाली बना के इसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। सो फाइनली आप देख सकते हैं, हमने जो सड़क में पानी जा रहा था उसे एक नाली में बना के इधर से भेज दिया। सो चलो आगे देखते हैं रोड की कितनी हालत ख़राब हो गई है। सो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पानी सड़क होके जा रहा है। अभी हमने कुछ तो पार से बाहर निकाल दिया सड़क से, बाकी आप ये देख सकते हैं हमारे ऑफ रोड की बहुत बुरी हालत हो गई। अभी तो हमने इसे ठीक किया था रोड को। अब देखिए, अभी यहाँ से इसे थोड़ा सा पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो अब देख सकते हैं आप, पानी इधर से जा रहा सारा। यहाँ से तो हमने कर दिया, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से सड़कों के कितना पानी जा रहा है। बाकी यहाँ चाचा लगे हुए हैं और सामने कुछ इस तरह से गिरा हुआ है। यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं, अभी हमने रास्ते से बहुत पानी की नालियाँ बनाई हुई थी, तो ये रुक नहीं रहा है। अभी हम यहाँ से आगे से देख के आएंगे तो उतने में ये रुक जाएगा, काफ़ी थम जाएगा। सड़क देख सकते हैं आप कितनी क्षतिग्रस्त हुई है। और चाचा जी ने साथ में दराट लाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। ये दराट इन्होंने कुछ काम के लिए लाया है, आगे आपको दिखाएंगे किस काम के लिए ये दराट हमने साथ लाया है। बहुत ही भयंकर स्टाइल से ना सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, देख रहे हैं ना आप। करीब करीब 2-3 फुट, कोई 1 फुट 2 फुट की तो खाई पड़ी हुई है इस रास्ते में। बाकी पत्थर देख रहे हैं ना आप कितने आए हुए इस रास्ते में, इस सड़क में। तो ये देखिए जो ये स्लाइडिंग हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लाइडिंग हुआ है भाई। गाड़ी खोलना बहुत मुश्किल है, जब तक JCB नहीं आएगी तो तब तक तो मतलब ही नहीं है। तो फाइनली हमने कुछ पेड़ लाए हुए हैं, अब इसे अपनी भाषा में तो मावनी का पेड़ बोलते हैं। तो इसे हम इस जगह पे लगाएंगे क्योंकि ये जगह कुछ
अल्टीमेट सी है रेस्ट करने के लिए, तो इन पेड़ों को यहाँ पर लगाया जाएगा। सो फाइनली हमने सारा काम कर लिया, रोड राड बना के ठीक कर दिया। बाकी कैसी हाल तू आज? बुरे हाल। अभी हम पेड़ लगाने वाले हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मेरे पीछे है। तो अभी हम इस जगह पे पेड़ लगाने वाले हैं, तीन पेड़ है हमारे पास। सो फाइनली एक पेड़ लग गया, अब बाकी हमारे पास दो पेड़ बचे हुए हैं। थोड़ा सा इस जगह को पक्का करने के लिए हम पेड़ लगा रहे हैं, ताकि ये जगह कुछ हिले ना। और जो सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पर सड़क भी स्लाइड हो गई है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से जितने भी पत्थर गिरते हैं वो इस गांव से होकर नीचे नदी में पहुंचते हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है पार्वती नदी। और अभी मौसम कुछ इस तरह से, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो अभी तो बहुत साफ हो गया मौसम धीरे धीरे। सो फाइनली आप जो ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, इन झाड़ियों को हमने काट के लाया है, ताकि इन झाड़ियों को हम इनके ऊपर कुछ यूं तरीके से डालेंगे, इस तरह से इन्हें पत्थर के साथ इस तरह दबा के रखा जाता है, ताकि कोई जानवर इन्हें खा ना ले, इसलिए इनके ऊपर झाड़ियाँ डाल दी हमने तीनों पेड़ पे। तो बाकी गाइस अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब हम घर की तरफ चलने वाले हैं। बाकी गाइस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब हमारा हथियार साथ लेके गए थे अब हम, तो अब हम घर की तरफ चलते हैं। सो फाइनली हमारा सारा काम क्लोज़ हो गया, अभी हम घर जा रहे हैं। तो आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।